रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे साइंस ऑफ क्रिस्टल्स, पावरफुल हीलिंग क्रिस्टल्स जो हीलिंग्स में काम आते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग्स में काम आते हैं। ये हीलिंग स्टोन इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, आपका ऑरा इंक्रीज कर देते हैं, आपके चक्रास को बैलेंस करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इन हीलिंग स्टोन्स के बारे में। दोस्तों ये जो स्टोन्स होते हैं इस बारे में जानेंगे एक्चुअल में होते क्या हैं। दोस्तों ये क्रिस्टल्स इतने पावरफुल होते हैं और ये हमें मदद करते हैं लाइफ के हर काम में। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करने वाली जो चीज़ होती है उसमें इनका नाम आता है, हीलिंग क्रिस्टल्स। दोस्तों ये क्रिस्टल पर सेकंड 6,10,000 बार वाइब्रेट करते हैं। दोस्तों यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि हम जो कुछ भी एनर्जी इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं वो 6,10,000 बार मल्टीप्लाई होती है। आज हम इसकी साइंस समझ रहे हैं कि ये कार्य कैसे करते हैं। तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जो हीलिंग क्रिस्टल है, दुनिया में एकमात्र ऐसा पत्थर जो पौधे की तरह ग्रो होता है। जब आप नेचुरल इसको देखते हो, ज़मीन के अंदर देखते हो, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे ग्रो होते हैं जैसे पौधा होता है। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है, जब उसको नेचुरल ज़मीन से निकाल के अपने घर में रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद उसका साइज फिर बदल जाता है। दोस्तों इन्हीं हीलिंग स्टोन की और भी ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि जो स्टोन्स होते हैं, ये जो क्रिस्टल होते हैं, ये एनर्जीज़ को रिसीव करने और सेंड करने की ताकत रखते हैं। ये क्रिस्टल, ये स्टोन दुनिया में कहीं पर भी पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल के अंदर ताकत है, आप व्हाट्सएप के थ्रू एक फ़ोटो, वीडियो, एक मैसेज, एक थॉट अपना दुनिया में कहीं पे भी किसी को भेज सकते हो। ऐसे ही ये क्रिस्टल्स किसी को भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इनमें ताकत ये भी होती है, ये एनर्जीज़ को रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, दुनिया में 500 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्रिस्टल का यूज़ होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर ताकत है, पावर है हील करने की, मैसेजेस को लेने की और सेंड करने की। एग्जांपल, आप सभी ने घड़ियों का नाम सुना होगा, हम कहते हैं क्वार्ट्स वॉच। दोस्तों ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्वार्ट क्रिस्टल होते हैं और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर ही वो क्वार्ट्ज घड़ी में भी एक क्वार्ट्ज लगा होता है, एक क्रिस्टल लगा होता है। जिन घड़ियों में क्रिस्टल नहीं लगे होते उन घड़ियों का जो समय बताने की शक्ति होती है वो कम होती है। और ऐसी घड़ियां 24 घंटे में जो उनकी स्पीड होती है तो कम होती है, ज़्यादा होती है, उनका टाइम ख़राब हो जाता है, वो सेट नहीं रहता। बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घड़ियाँ होती है, जैसे गाड़ियों में जो घड़ी होती है, ये जो बहुत सस्ती घड़ियाँ होती है, आप उसको बार बार हर कुछ दिनों बाद उसका टाइम दोबारा सेट करना होता है, क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं लगा, इसलिए वो एक्यूरेट टाइम नहीं बता रही। जिन घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है वो हमेशा एक्यूरेट टाइम बताती है, सिर्फ एक बार आपको उसको सेट करना होता है। इसी तरह 500 से ज़्यादा आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो तरंगों से चलती है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, जैसे मान लीजिए रेडियो, FM, टेलीविज़न, या हम कहें अल्ट्रासाउंड मशीन या वॉकी टॉकी, जितनी भी चीज़ें हैं जो तरंगों से कार्य करती है, उन सभी चीज़ों में क्रिस्टल्स का एक भाग लगा होता है, छोटा सा एक क्रिस्टल लगा होता है। कई जगह ये भी बताया जाता है कि वो क्रिस्टल नीले रंग का होता है।
जिस नीले रंग की क्रिस्टल की वजह से वह एनर्जीज का आदान प्रदान वहाँ चलता है, वो मैसेज, वो थॉट, वो फोटो या वो वीडियो भेजी जाती है। दोस्तों, इन्हीं क्रिस्टल की शक्तियों की वजह से रेकी के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, हीलिंग्स के अंदर क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। क्रिस्टल हीलिंग नाम की एक थेरेपी भी होती है जो हम सिखाते हैं। अदरवाइज लगभग हर थेरेपी में थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाता है। रेकी में भी क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाता है। आप क्रिस्टल्स के बारे में और जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं आपकी समस्या के लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप रेकी सीखना चाहें या क्रिस्टल हीलिंग सीखना चाहें तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी क्या समस्या है, आपने कभी क्रिस्टल का कोई फ़ायदा लिया या आपके पास कोई क्रिस्टल है, तो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें क्रिस्टल की नॉलेज अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर ऑल दबाएँ ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।